गो विद द IMDG कोड। IMDG कोड का क्या है प्रॉब्लम, क्या चीज़ें हैं, तो मैं जनरली जो डिस्कस करूँगा आई विल डिस्कस ओनली विद द कि जो जनरली हमारे ओरल्स के लिए किसी और चीज़ के लिए बस इम्पोर्टेंट है वही करूँगा। मुझे उससे ज़्यादा तो कुछ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है यार। तो जस्ट जैसे ये लिखा हुआ है, मेरीटाइम सेफ्टी कमेटी 90th सेटिंग एजेंडा आइटम 28 1 जून 2012। ये ऑलरेडी मतलब ये पुरानी है, ये अमेंडमेंट 36 2012 का है ये वाला है, और इसमें 90 और 28 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, MSC मेरीटाइम सेफ्टी कमेटी ऑन द 90th सेशन, तो जो 90 है वो सेशन है ये लिखा हुआ है। और जस्ट टू यहाँ पे ये पूरा लिखा है कि रेजोल्यूशन नंबर जो आया था MSC का वो 0.32890 में अडॉप्शन ऑफ द अमेंडमेंट्स टू द इंटरनेशनल मेरीटाइम डेंजरस गुड, मतलब IMDG कोड में अमेंडमेंट 36 2012। जो ये अमेंडमेंट है ये कोड में आते हैं, और जो रेजोल्यूशंस हैं वो कन्वेंशन में आएगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अमेंडमेंट कहाँ आता है, रेजोल्यूशंस कहाँ आते हैं। लिस्ट ऑफ द कंटेंट फॉरवर्ड प्रैम्बल 1 to 7 इंक्लूडिंग अपेंडिक्स ए एंड बी। ओके ठीक है, ये भी नाउ दिस कंटेंट स्कीम। तो इसमें सबसे जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो इस ये चीज़, ये 36 2012 लिखा है, इसका मतलब क्या है आखिर। तो इसका यह कि IMDG कोड अमेंडेड साइकिल जो है, every 2 years IMO पब्लिश अ न्यू अमेंडमेंट टू IMDG कोड, इनकॉर्पोरेटेड चेंजेस अप्रूव्ड बाय द मैरिटाइम सेफ्टी कमिटी। दस चार्ट शोज द सीक्वेंस ऑफ दीज अमेंडमेंट, द जनरल प्रिंसिपल इज दस। तो इसमें क्या है कि हर 2 साल तो नया जो होता है वो अमेंडमेंट जो होता है वो पब्लिश होता है, बट वो किस तरीके से होता है वो हमें जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या येलो ईयर होता है, वट इज़ येलो वट इज़ ग्रीन ईयर। तो ईच अमेंडमेंट इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स। ओके देर आर ऑल्टरनेटिंग ईयर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, एक ईयर छोड़ के दूसरा ईयर जो होता है ऑल्टरनेट करके हमें इम्प्लीमेंट कर देना होता है। तो इसका मतलब ये है, जैसे ये 37 है, 1 साल छोड़ के अगले साल 38 को इम्प्लीमेंट कर देना, 1 साल छोड़ के 1 साल 39 को इम्प्लीमेंट कर दिया। इन जनवरी ऑफ द येलो ईयर, ये येलो ईयर है, ये येलो ईयर है जनवरी, अ न्यू अमेंडमेंट इज पब्लिश एंड कैन बी यूज इमिडिएटली। मतलब यहाँ पे येलो ईयर में अगर जनवरी में ये अमेंडमेंट जो है अगर पब्लिश है एंड कैन बी यूज इमिडिएटली सब्जेक्ट टू द टाइम ऑफ द नेशनल कंपिटेंट अथॉरिटी अडॉप्शन। मतलब यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस नए अमेंडमेंट को लेकर करके किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि नेशनल कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी हो वहाँ की देश जो है दर कंट्री इज अप्रूविंग इट। ऑल्सो ड्यूरिंग द येलो ईयर द प्रीसीडिंग अमेंडमेंट कैन ऑल्सो बी यूज सो इट एन ओवरलैप पीरियड। और जो पुरानी अमेंडमेंट है उसमें जो पुरानी जो अपनी वॉल्यूम है 37-14 की जो वॉल्यूम है, इसमें फर्दर अमेंडमेंट लेकर के कि जो अमेंडमेंट इधर आए हुए हैं उनको लेकर के यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इस ये 37-14 में तो पब्लिश हो गई थी, इसके बाद जो है वो अमेंडमेंट बनेंगे 2017 के। तो 2017 के जो अमेंडमेंट आए हैं प्लस ये दोनों को मिला करके वी कैन यूज़, और 2018 में ये वाला आ जाएगा जिसमें इस ईयर का मतलब इसी ऐसे पुराने और पीछे के जितने भी अमेंडमेंट हैं वो सब इसमें रहेंगे। बट इस वाली बुक को 38 2016 को 2019 में चलाने के लिए जो अमेंडमेंट 2019 के हैं उनको ऐड करके और यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इन द ग्रीन ईयर ओनली द करंट अमेंडमेंट कैन यूज़। तो जैसे ये 2016 है तो इसमें 37 2014 ही यूज़ करना है, यहाँ पे 2018 है तो 38 2016 है। क्यों, यहाँ पे 37 2014 में तुम अमेंडमेंट करके अमेंडमेंट्स को प्लस अप करके और यहाँ पे 2017 में यूज़ कर रहे हो, बट 2018 में यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ 37 प्लस अमेंडमेंट करके, कि 2018 का भी अमेंडमेंट प्लस करके और कर लिया, नहीं तुम्हें 38 2016 लेनी ही पड़ेगी, यू हैव टू बाय दिस वन। और यही जो है वो 2020 में 39 2018 आ जाएगा हमारे पास, विच विल बी अडॉप्टेड। सो दिस वॉज जस्ट टू शो यू दिस वन, दिस विल बी मोर क्लियर अबाउट दिस कि 37 में क्या है, 38 में क्या है,
39 में क्या आया, तो इट इज मोर क्लियर विद द स्टार्ट. ओके, नाउ कमिंग बैक टू एंड डीजे अगेन, तो ये वाला तो हमारा क्लियर हो गया डाउट. नाउ वुड वी हैव अदर थिंग्स. कंटेंट में चैप्टर्स हम बस जैसे ये पार्ट वन जनरल प्रोविजन एंड डेफिनेशन ये बस इतना रट ले तो भी बहुत है कि 7 चैप्टर्स हैं. फिर क्लासेस जो है वो क्लासेस थोड़ी सी हमको रटनी पड़ेगी कि जैसे क्लास वन एक्सप्लोसिव गैसेस, फ्लेमेबल लिक्विड्स, फ्लेमेबल सॉलिड्स एंड ऑल दिस, मरीन पोल्यूटेंट, डेंजरस, गुडलेस. ये चैप्टर थ्री जो है ना, पार्ट थ्री इज ऑल्सो अ बिट नेसेसरी. मतलब अच्छा है ये, आगे हम लोगों को मतलब पार्ट थ्री में से बहुत सारी जैसे लिमिटेड क्वान्टिटी, एक्सेप्टेड क्वान्टिटी, ये सब है, वी हैव टू डू दैट वन. ये रहा डेंजरस गुड इन लिमिटेड क्वान्टिटी, डेंजरस गुड इन ट्रांसफॉर्म इन एक्सेप्टेड क्वान्टिटी, ये यूज़ हो सकता है हमारे लिए. यूज हो नहीं सकता, यूज़ होगा यार. ओके, अपेंडिक्स ए, लिस्ट ऑफ द जेनरिक एन ओ एस प्रॉपर शिपिंग नेम्स, ये रहे कुछ टॉपिक्स. फिर पैकिंग ग्रुप में, हमें पैकिंग ग्रुप में जैसे कि स्पेशल पैकिंग फॉर 7 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट स्पेशल पैकिंग फॉर गुड्स ए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 5.4, 5.2, 4.1, इनसे थोड़ा सा मतलब है हमें. तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि आगे आगे आई विल कीप ऑन ब्ला 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 बोलता रहूँगा मैं. प्रोविजन ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द इंटरमीडिएट बल्क कैरियर कंटेनर्स, तो ये बल्क कंटेनर्स का था, ये वाला इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 7.1 जनरल स्टोरेज एंड प्रोविजन, ये स्टोरेज है और ये सेग्रीगेशन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से. और इन चैप्टर्स में बस ये पता होना चाहिए, जैसे कि ये 7.4 है, स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन ऑन द कंटेनरशिप कैसे होता है, स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन ऑन रोडो की रोडो शिप पे अगर कंटेनर डालो तो कैसे डालोगे, स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन ऑन जनरल कार्गो शिप अगर कर रहे हैं तो कैसे, बार जिस पे कर रहे हैं तो कैसे, ये वाला बस पता होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज समटाइम्स इट इज़ बीन आस्क्ड. स्पेशल रिक्वायरमेंट एंड इवेंट ऑफ द इंसिडेंट एंड फायर, तो ये तो सीधा हम उसी पर पहुँच गए. दिस इज वॉट वी नीड, एग्जेंप्शन अप्रूवल एंड सर्टिफिकेट्स, ये सब दिए हुए हैं, स्पेशल रिक्वायरमेंट, ये सब. नेक्स्ट 16 चैप्टर 7 एंड 16 चैप्टर 2 पार्ट 2 रेगुलेशन 19, ये टू शो यू. ये 16 चैप्टर 2 रेगुलेशन 19 में कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स, ये लिखा हुआ है इसका, द पर्पज ऑफ द रेगुलेशन क्या है, कैसे है, डेंजर शैल बी एडिक्वेटली सेपरेट फ्रॉम द इग्निशन सोर्स, ये सब. अब इसके साथ साथ जो भी इसमें चाहिए डेंजरस गुड्स के लिए पर्पज, जनरल रिक्वायरमेंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. जनरल रिक्वायरमेंट के बाद वी हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट, वाटर सप्लाई, सोर्स ऑफ इग्निशन, डिटेक्शन सिस्टम, वेंटिंग सिस्टम, बिल्ज पम्पिंग, पर्सनल प्रोटेक्टिव, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है. एटलीस्ट 2 सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स एडिशनली, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, वाटर स्प्रिंकलर, सेपरेशन ऑफ रोरो, ये सब, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे वेदर डेक अगर ये रोरो पे है, सेपरेशन ऑफ रोरो स्पेसेस, ये अगर है तो कैसे करेंगे, डीजे अगर रोरो पे कैरी कर रहे हैं तो, ये सब. मतलब इट इज जस्ट फॉर अ जनरल पर्पज़ की हमें पता होना चाहिए कि लिखा हुआ. और ये कि 16 में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस, कहाँ लिखा हुआ है 16 में, तो इट इज़ रिटन इन रेगुलेशन 19, द एडमिनिस्ट्रेशन शैल प्रोवाइड द शिप विद एन अप्रूव डॉक्यूमेंट एज एविडेंट ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रेगुलेशन सर्टिफिकेशन फॉर द डेंजरस गुड्स एक्सेप्ट सॉलिड डेंजरस गुड्स एंड बल्क, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दोज कार्गो स्पेसिफाइड एज क्लास 6.2 और 7, 6.1 रेडियो एक्टिव, और उसके लिए ये टॉक्सिक इन्फेक्चुअस या टॉक्सिक का है क्लास, तो इसके लिए जो है इन गुड्स इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड एक्सेप्टेड क्वांटिटीज, तो इनके लिए नहीं चाहिए, तो इनके लिए क्या चाहिए, इनके लिए और स्पेशल कुछ चाहिए. तो इसका मतलब ये नहीं है DOC नहीं चाहिए तो इनके लिए नहीं चाहिए होगा, ना ना, इनके लिए और स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वो चाहिए होगा उनके लिए.
कमिंग बैक टू द मोमेंट, सॉरी एंडी जी। तो ये वाला हो गया, इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है, कैम्बल वैम्बल दे सकते हैं, या एप्लीकेशन अनलेस एक्सप्रेस प्रोवाइडेड अदरवाइज द पार्ट डेंजरस गुड इज पैक फॉर्म शिप टू विच प्रेजेंट रेगुलेशन अप्लाई इन द कार्गो शिप ऑफ लेस दैन 500 ग्रॉस टनेज। ये इनकी अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेस्ड ये बोला नहीं गया हो तो ये सब किस किस शिप्स पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, तो दीज ऑल थिंग्स यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है एनडीजी कोड का ये वाला। और डेंजरस गुड्स का मतलब क्या है, पैक्ड फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये कि कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल हर कंटेनर शिप पे चाहिए। तो कार्गो 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 यूनिट्स एंड द कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट शैल बी लोडेड स्टोर्ड एंड सिक्योर थ्रू द वॉयज इन अकॉर्डेंस विद द कार्गो सिक्योरिंग अप्रूव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। तो कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल अप्रूव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट टू द गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द डेंजरस गुड्स। तो ये है रिपोर्टिंग प्रोसीजर। और ये जो IMDG जो है वो हर वेसल पे क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें ना DG गुड्स के रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स हैं, इसलिए सारी वेसल्स पे चाहिए ये। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन मतलब मारपोल में NX3 में है ये भी बोला गया बताया गया है। और कुछ तो ज़्यादा नहीं। अच्छा क्वांटिटी लिमिटेशन, क्वांटिटी लिमिटेशन का क्या है, सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंसेस में फॉर द साउंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल रीजन नीड टू बी प्रोहिबिटेड फॉर कैरेज और टू बी लिमिटेड एज द क्वान्टिटी विच मे बी कैरिड ऑन बोर्ड एनी वन शिप इन लिमिटिंग द क्वान्टिटी ड्यू टू कंसिडरेशन शैल बी गिवन टू द साइज कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट ऑफ द शिप एज वेल एज द पैकिंग एंड द इनहेरेंट नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। तो ये सब की लिमिटेड क्वांटिटी क्या है, तो उसको लिमिट किया गया है शिप पे लो कि ज़्यादा ना हो, क्योंकि साइंटिफिक और टेक्निकल रीजंस हैं इसके पीछे के, मतलब देयर कैन बी एनी कि समबडी कैन एल्स यूज इट। हम जैसे वेसल पे कोई डीजी ऐसे लेके जा रहे हैं जो कि लिमिटेड या एक्सेप्टेड क्वान्टिटी लिमिटेड क्वान्टिटी में है, सॉरी, तो लिमिटेड क्वान्टिटी में हमने जितना चाहिए उससे ज़्यादा करके रखा, तो कोई दूसरा हमें हाईजैक करके पकड़ के पायरेट्स या कोई भी ले सकता है, उसके बाद कुछ भी कर सकता है उस चीज़ को जो कि इतनी अबंडेंस में प्रेजेंट होगी, तो दे कैन यूज एज अ मास डिस्ट्रक्शन और किसी के लिए, तो दैट्स वाई इट इज रिटन। और एक्सेप्शंस क्या है कि जेटिसनिंग कब कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज सबको पता है कि सेफ्टी ऑफ लाइफ सिक्योरिटी एंड ऑल दिस। फॉरबिडन फॉर ट्रांसपोर्ट मतलब ये जो डीजी है दैट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, वो कौन कौन से हैं, इन चैप्टर 3.3 स्पेशल प्रोविजन 349 350 351 52 53 एंड 900 लिस्टेड सब्सटेंसेस विच आर फॉरबिडन फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ये भी हैं, ये हैं आई विल शो यू दिस ऑल्सो। और हमारे चैप्टर 2 में जो क्लासेस हैं हमारे, इसमें कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट जो है ना मीन्स ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट, ये जो डेफिनेशन है CTU की, ये क्योंकि समटाइम्स वी स्पीक CTO दे कैन आस्क फॉर द CTO, तो दिस कैन बी बेस्ट वन। और इसमें एक और था कि जैसे क्लासेस हैं हमारी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, तो समटाइम्स टू रटा फॉर द एग्जाम्पल ऑल्सो लाइक एक दो करके वो भी बेटर ही होगा कि इसमें देख सकते हैं, वी कैन जस्ट रटा फॉर एक दो एग्जाम्पल अगर याद कर लिया तो। इसमें जैसे लार्ज पैकिंग में एक्सीड 400 kg नेट मास और 450 liters, और यहाँ पे लिक्विड डेंजरस लिक्विड क्या होता है, 50 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर 300, ये अभी आगे भी है, आगे भी आई विल शो कि ये क्या है असल में इसका मीनिंग। आउटर पैकिंग मीन्स इसमें है ये रहे अपनी क्लासेस और क्लास के सब डिविजन्स, ये रहे इसके
ये डीजल एट यहाँ पे है पूरा ठीक से कि क्या नाम है उसमें, डिवीजन नहीं लिखे थे ठीक से। इसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6, 2.1, 2.3, 3, इन सब के सबके नेम्स बकायदा लिखने। तो उसमें एक तो 6.2 था इन्फेक्चुअस सब्सटेंसेस जो कि प्रोहिबिटेड था और जिसके लिए स्पेशल चाहिए था कि DOC नहीं चाहिए उसके लिए, तो इन्फेक्चुअस सब्सटेंस और रेडियो एक्टिव मटेरियल था। तो उन दोनों के लिए जब नहीं चाहिए DOC तो इसका मतलब क्या चाहिए, कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन दोनों के लिए। ओके और पैकिंग ग्रुप में क्या, पैकिंग ग्रुप तीन टाइप के, पैकिंग ग्रुप 1, 2, 3, और ये लिखा है हाई डेंजर, मीडियम डेंजर, लो डेंजर। तो ये मतलब थोड़ा याद होना चाहिए। और जो पैकिंग है वो क्लास 4 में आती है, क्लास 4 पार्ट 4 में आएगा ये। तो बस क्लास 4 लिखा हुआ है, बट पार्ट 4 में आएगा कि कैसे करना है। ये कंपैटिबिलिटी ग्रुप ऑफ क्लास 1, तो ये वाला हमें, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, कंपैटिबिलिटी ग्रुप्स अंडर क्लासिफिकेशन कोड्स। तो इसमें बाय द गुड्स ऑफ क्लास 1 आर कंसिडर्ड टू बी कंपैटिबल इफ दे आर सेफली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टुगेदर विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग ईदर प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट और गिविंग द क्वांटिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट ऑफ सच एन एक्सीडेंट बाय द क्रिएशन गुड लिस्ट एंड द क्लास डिवाइडेड नंबर ऑफ, वो भी यही इज डिनोटेड A12। ये वाला जो है एक्सक्लूडिंग आई एन एन एस, दीज आर डिस्क्राइब इन 2.1.2.2 एंड 2.1.2.3। तो ये है बस, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है A12 NNS, ये याद करना। तो A12 NNS क्या है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये उतना मतलब नहीं बनता, बट कंपैटिबिलिटी बस याद करना चाहिए कि कंपैटिबिलिटी क्या है। तो कंपैटिबिलिटी ऑफ क्लास 1 इज A2LNNS, ये करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सक्लूसिव, तो ये इन्होंने कि कौन किसके साथ है, 1.1, 1.1, 1.2 के साथ ये है, 1.3 के साथ ये, मतलब इस तरीके से ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो व्हाट इज देयर समीशन एंड ऑल दिस, तो मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है, बस वो पता होना चाहिए कि A12 NNS होना चाहिए। यहाँ पे और भी दिया है डेफिनेशन एंड ऑल दिस, टाइप एंड ऑल दिस, से कोई मतलब नहीं है उतना। फिर गैसेस में टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, पॉइजनस होता है। तो ये अब वो वहाँ पे गैसेस में मैंने बोला था, वो ये रहा, अ गैस इज अ सब्सटेंस विच एट 50 डिग्री सेल्सियस हैज अ वेपर प्रेशर ग्रेटर देन 300 किलो पास्कल, इज कम्प्लीटली गैसियस एट 20 डिग्री एट द स्टैंडर्ड प्रेशर 101.3 किलो पास्कल। तो ये वाली चीज़ है। लिक्विफाइड गैसेस का मतलब क्या है, दिस इज सम ऑफ द डेफिनेशंस, क्योंकि अगर मतलब पता है तो अच्छा है, नहीं भी पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट समटाइम्स समवेयर आई हैव हर्ड कि ये पूछा गया है, दैट्स व्हाट आई एम मीनिंग कि ये। और ये हाँ, टॉक्सिसिटी कितनी होती है, तो टॉक्सिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, चैप्टर 2.2.3 में दिया हुआ है, हमें बस इतना पता है। और ये LC50 करके टॉक्सिक मेजर ये वो दिया हुआ है बस। तो ये पूछने पे बस ये मिक्सचर ऑफ द गैसेस में टॉक्सिसिटी, द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द टेस्ट टू मेजर LC50 वैल्यू, और कुछ नहीं, तो इतना हम बता सकते हैं। बाकी अगर फॉर्मूला लेट सकते हैं इट इज़ गुड, बट समटाइम्स इट इज़ फॉर मी ऑल्सो इट इज़ वेरी हेक्टिक टू लर्न दिस फॉर्मूला, उसको 50 बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा। फ्लेमेबल लिक्विड क्या है, तो उसका डेफिनेशन, और द फ्लेमेबल लिक्विड एज द लिक्विड और द मिक्सचर ऑफ द लिक्विड, द लिक्विड कंटेन्स सॉलिड और जिसमें कि क्लोज कप एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला है बस, ये वाला डेफिनेशन थोड़ा सा रट लें, दैट विल बी बेटर। काफ़ी सारे फ्लेमेबल लिक्विड का, और इसमें भी वही, अब हर चैप्टर में हर जैसे कि फ्लेमेबल लिक्विड हुआ या कोई भी हुआ, जब भी क्लास डिवाइड हो रही है तो दे आर टेलिंग अस ऑल्सो कि कैसे हम पैक करें, पैकिंग ग्रुप भी दिए हुए हैं। जैसे इसमें दिया 1, 2, 3 पैकिंग ग्रुप, तो इसमें फ्लैश पॉइंट, क्लोज कप दिया हुआ है, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है,
ये सारे के सारे पे दिया है, ये सिर्फ क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री नहीं, सब में दिया हुआ है कि किस तरीके से करना है। जैसे यहाँ पे क्लास फोर आ गया है, क्लास फोर में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया होगा कि कैसे हमें पैकिंग ग्रुप का, ये रहा पैकिंग ग्रुप का असाइनमेंट ऑफ पैकिंग ग्रुप, इन्होंने यहाँ पे भी ग्रुप थ्री लिखा हुआ है, ग्रुप टू लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक दैट, इट इज़ बीन गिवन एवरीवेयर, हर सबके साथ दिया गया है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन टर्मिंग हम टर्मिंग में, तो कोई उतनी ज़रूरत नहीं इसको भी। यहाँ भी देखते हैं इसमें उसके लिए दिया, टॉक्सिक एंड स्ट्रक्चरल सब्सटेंसेस में ये दिया हुआ था क्लियरली, तो मैंने ये फॉर्म मार्क करके रखा हुआ है। पैकिंग ग्रुप असाइनमेंट ऑफ द पैकिंग ग्रुप वन टू थ्री क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर में खत्म है। लिथियम बैटरीज के बारे में यस, कोई अगर जानना चाहता है तो दिस वन पेज नंबर देख लो 130, फ्रॉम 130 यू कैन गो थ्रू लिथियम बैटरी के बारे में, किसी को ज़्यादा पढ़ना है तो, और नाम मुझे तो नहीं है, मैंने तो उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं समझा, तो मैंने उतना पढ़ा नहीं था इसको। चैप्टर थ्री में यस दिस इज इम्पोर्टेंट, इसमें आते हैं हमारे पास सिक्सटीन एग्रीगेशन ग्रुप्स, इससे रूट में मतलब नहीं है। लिमिटेड क्वांटिटी एफेक्टिव क्वांटिटी से ना डालेंगे, हाँ इसमें ये चीज़ है दिखाने की, वहाँ पे जैसे लिखा हुआ था कि कौन से सब्सटेंसेस है विच कैन नॉट बी लोडेड, तो ये 900 उसमें प्रोविजन में पहले लिखा था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड है कंटेनर शिप पे भी कि नहीं कर सकते, क्या क्या है वो एग्जाम्पल अमोनियम हाइपोक्लोराइड और ये सब दिया हुआ है। उसके बाद सी ऑल्सो द स्पेशल प्रोविजन 349 50 50 एंड 52 53, ये भी दिया हुआ है 349 50 51, ये रहे 49 मिक्सचर ऑफ हाइपोक्लोराइड दिस अमोनियम ब्रोमाइड सॉल्ट सोल्यूशन आर नॉट एक्सेप्टेड फॉर द ट्रांसपोर्ट, तो ये सब ये लिखा हुआ है 49 50 51 52 53, ये रहे अपने पांच, और यहाँ पे ये 900 में भी कुछ लिखे हुए हैं, तो दीज आर द सब्सटेंसेस विच यू कैन नॉट लोड ऑन कंटेनर शिप, नहीं कर सकते इनको हम। फिर हमारे पास यस दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लिमिटेड क्वांटिटी, तो लिमिटेड क्वांटिटी जो है सीधा चैप्टर 3.4 बोल रहा है, उसके बाद ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है वो मापोल में भी दी हुई है और यहाँ पे भी दी हुई है, बट लेट्स नॉट मूव टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन तो छोड़ते हैं साइंटिफिक पर्पज एंड ऑल दिस, पहले होता क्या ये देख लेते हैं। तो लिमिटेड क्वांटिटी जो है जनरली इन्होंने ना ये पैकिंग का और इनका, तो इसमें पैकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम जो है वो 7A में दिया होता है, वो ऑफ द डी जी लिस्ट, डी जी गुड लिस्ट के जिसमें वो 18 कॉलम्स होते हैं उसमें, इसमें इसमें ये लिखा है डेंजर गुड शैल बी पैक्ड ये, तो इसका बस मैं मतलब बता देता हूँ, इस पूरे का मतलब ये है कि अगर इसको पढ़ने से पहले पहले मैं ये बता दूं जिससे कि वो क्लियर हो जाए, इसमें लिखा है एक्सेप्ट फॉर द आर्टिकल ऑफ डिवीजन 1.4 कंपेटिबिलिटी ग्रुप, ऐसे ये छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे श्रिंकन रैप और द स्ट्रेच्ड रैप ट्रेस मीटिंग द कंडीशन ब्ला ब्ला जो भी है ये, इसके बाद लिखा हुआ है कि ब्रेकेबल, ये ब्रेक लायबल टू ब्रेक और इजीली पंचर सच एज दोज ऑफ मेड ऑफ ग्लास पोरसिल स्टोन सर्टेन प्लास्टिक सच एज प्लेस इन अ सूटेबल इंटरमीडिएट पैकिंग मीटिंग द प्रोविजन दिस वन एंड सो बी डिजाइन दैट दे मीट द कंस्ट्रक्शन एंड द टोटल ग्रॉस मास ऑफ द पैकेज शैल नॉट एक्सीड 20 मीटर 20 kg सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनर पैकिंग जो है हमारी वो टूट सकती है, जैसे कि ग्लास की बनी है
या किसी स्टोन्स की बनी है या प्लास्टिक की बनी है जो कि टूट सकती है, रिसेप्टिकल यूनिट जो इनर है अगर वो टूट सकता है, तो मैक्सिमम जो हम लिमिटेड क्वांटिटी कैरी कर सकते हैं वो 20 kg तक, और जो लिमिटेड क्वांटिटी का जो दिया रहेगा कि कितना हम कैरी कर सकते हैं वो 7 MA में दिया रहेगा, जैसे 2 लीटर का हो गया, तो 2 लीटर के हम ऐसे बना बना के 5-10 जितने भी रख सकते हो, मतलब अबाउट 10 या अबाउट 10 से कम 9, बट टोटल ग्रॉस ग्रॉस मास, यहाँ टोटल ग्रॉस मास लिखा हुआ है, तो टोटल ग्रॉस मास का मतलब क्या होता है? टोटल ग्रॉस मास का मतलब है कि वेट ऑफ द कंटेनर, वेट ऑफ द लिक्विड और वेट ऑफ द आउटर पैकेज, जैसे कि वो समझ लेते हैं DG पानी लिक्विड फॉर्म में है तो उसको किसी हम पहले तो कंटेनर में रखेंगे, सॉरी प्लास्टिक की बॉटल में, सॉरी ग्लास की बॉटल में रख लेते हैं, प्लास्टिक में नहीं रखते, ग्लास की बॉटल में डाल लिया, तो ग्लास की बॉटल में लिक्विड डाल दिया हमने 2 लीटर या 1 लीटर, 2 लीटर लिखा था तो 2 लीटर डाल लिया, उसके बाद उस बॉटल को लेकर के हमने गत्ते पे डाल दिया, गत्ते के अंदर वो जैसे पानी का गत्ता आता है तो वैसे गत्ते में डाल दिया, तो इसमें क्या है, लिक्विड का वेट प्लस ग्लास की बॉटल है उसका वेट प्लस गत्ते का वेट, ये तीनों का वेट जो है वो 20 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये है मतलब इसका। और यही अगर ना टूट सके, जैसे कि अपने एरोसॉल इसने लिखा हुआ है, एरोसॉल मतलब जैसे अपनी DO की बॉटल है वो टूटेगी नहीं इतनी जल्दी, तो मतलब वो टूट नहीं सकती है, तो बस जस्ट एन एग्जाम्पल है, तो उसका टोटल ग्रॉस मास ऑफ द पैकेज शैल नॉट एक्सीड 30 kg, क्योंकि इसमें जो पैकिंग का होगा वो तो चैप्टर 4 में दिया है, मैं बस एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ कि जैसे अपना DO का हो गया बॉटल, तो उसमें जो है वो टोटल ग्रॉस मास जो है उसका वो 30 kg, तो ये डिफरेंस है, मैक्सिमम अगर टूट गया तो 20 kg, और नहीं टूट सकता है इनर पैकिंग जो है उसका तो वो 30 kg, और ये एक शिप के लिए, मतलब इस 20 kg से ना ज़्यादा होगा ना इस 30 kg से ज़्यादा होगा शिप पे, क्योंकि उसमें ऊपर की डेफिनेशन में लिखा था कि लिमिट क्यों की गई क्वांटिटी, क्योंकि वो एक शिप पे उतना ही लोड कर सकते हैं, तो ओनली ऑन द वन शिप, तो ये दोनों का है, और मतलब ये लिमिटेड क्वांटिटी, तो आई थिंक सो जैसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 लीटर का एक केन है और 2 लीटर का एक लिमिटेड क्वांटिटी दी हुई है, तो हाउ यू विल लोड, तो 5 लीटर को ब्रेक कर देंगे हम 1 2 लीटर में, फिर अनदर 2 लीटर में, अनदर 1 लीटर में, और ये हम किसे शिपर को बोल देंगे, और शिपर जाएगा पर्टिकुलर बंदे से जो कि ऑथराइज होगा उससे करवा के लाएगा और हमें देगा, और फिर हम उसे कैसे इसी फॉर्म में 2 2 और 1 के फॉर्म में लोड कर लेंगे, तो अगर दे दिया तो हम इस तरीके से लोड करेंगे, दिस इज सिंपल आंसर, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो 2 2 1 करके, अगर वो पूरा पैकेट भी बना के दे दिया तो, अगर टूटने वाला है बॉटल में दे दिया जैसे जो टूट सकता है वो 20 kg, अगर वो नहीं टूट सकता तो 30 kg, वो पैकिंग पर डिपेंड करता है, ये है लिमिटेड क्वांटिटी, जिस पे मार्क ऐसा होता है लिमिटेड क्वांटिटी पे, अगर एयर में ले गए तो वाई लिखा रहेगा, और यही सब है कि लिमिटेड क्वांटिटी उस पर लिखा होना चाहिए ना सर। अब नाउ द थिंग इज व्हाट इज एक्सेप्टेड क्वांटिटी, तो एक्सेप्टेड क्वांटिटी क्या है, एक्सेप्टेड क्वांटिटी जो है वो चैप्टर 3.5 में दिया गया है, और उसमें ये टेबल दिया गया E0 E1 E2 E4 E5 तक ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि जैसे E0 है नॉट परमिटेड एट एक्सेप्टेड क्वांटिटी, तो उसको परमिट नहीं किया गया, तो ये वाला जो चीज़ है E1 E2 E3 E4 E5 जो है ये कॉलम नंबर 7B में लिखा रहेगा कि किसमें, जैसे उसमें अगर E1 लिख दिया तो इसमें लिखा है मैक्सिमम नेट क्वांटिटी पर इनर पैकिंग इन ग्राम्स फॉर सॉलिड एंड ML फॉर लिक्विड, तो 30 ग्राम बोलो या 30 ML बोलो जैसे चाहे, और ये 1000 ग्राम या ML, इसमें मैक्सिमम नेट क्वांटिटी पर आउटर पैकिंग लिखा हुआ है, तो ये लिखा, तो जैसे कोई E1 लिखा हुआ था मतलब इनर पैकिंग 30 ML का होना चाहिए या 30 ग्राम्स का होना चाहिए, और जो आउटर पैकिंग है वो 1000 ML का या 1000 ग्राम का, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो दिस इज द अपना एक्सेप्टेड क्वांटिटी, तो लिमिटेड क्वांटिटी में बस 20 और 30 kg है, बट यहाँ पे अलग तरीके से दिया गया है एक्सेप्टेड क्वांटिटीज में, और यहाँ पे बोला भी गया एक्सेप्टेड क्वांटिटी ऑफ द डेंजर गुड्स असिस्टेड टू कोड E1 से E5 आर नॉट सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इन द पैकिंग इज लिमिटेड टू 1 ML फॉर द लिक्विड एंड द गैसेस एंड 1 ग्राम फॉर द सॉलिड्स, तो एक्सेप्ट एक्सेप्टेड क्वांटिटीज ऑफ DGs असाइन टू द कोड्स इवन
आर नॉट सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन, मतलब जो E1, E2, E3, E4, E5 दिए हुए हैं उनको 1 ml और 1 g में नहीं कर सकते हैं, बस ये लिखा हुआ है, और बाकी जिसमें जो लिखा होगा उसमें वो कर सकते हैं। तो अगर उसमें लिखा होगा कि 1 ml और 1 g में करना है तो हम कर देंगे, बट वो E1, E2, E3, E4 और E5 नहीं होगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। फिर ये पैकिंग वैकिंग का हो गया, और इसमें और भी चीज़ है, दैट इज ई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग डेंजरस गुड्स पैक्ड इन एक्सेप्टेड क्वांटिटी इन एन कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि वो कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट का डेफिनेशन तो एक बार याद कर लेना कि वो यहाँ से कंसर्न कर देता है, क्योंकि कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट शेल नॉट एक्सीड 1000। तो ये 1000 क्या है कि जो हमने जैसे कि इनर पैकिंग इसमें 30 थी, करेक्ट, 30 g थी, तो 30 g, और जो आउटर पैकिंग था वो 1000 g था, तो हमने कर लिया। तो ये जो 1000 g जो फाइनल बना वो एक यूनिट बन गया, और ऐसे एक यूनिट कितने हम किसी एक CTU में लोड कर सकते हैं, वो है 1000, 1000 से ज़्यादा नहीं, वेदर वो कंटेनर खाली हो जाए, खाली ही रहे बहुत सारा पार्ट या पूरा भर जाए, डजेंट मैटर। तो चाहे वो 1-1 किलो के हैं तो 1000 डालेंगे तो 1000 किलो आ जाएगा, तो चाहे वो कंटेनर भरे चाहे खाली हो, मगर इससे ज़्यादा एक कंटेनर कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट में नहीं डाल सकते हैं। तो मैं एक कंटेनर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट द वर्ड शुड बी यूज एज कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट एज इट इज़ रिटन ओवर हियर ओनली। तो कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट में इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल विद द एक्सेप्टेड और लिमिटेड क्वान्टिटी, और बाकी के भी हैं अभी बहुत सारे। नीचे NOS कैसे लोड करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, ये रहा लिस्ट ऑफ जेनरिक। तो विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस।